भगवान राम के जीवन से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक ही वाक्य मैं सुनाना चाहता हूं। जब भगवान राम का अगले दिन सवेरे राज्याभिषेक होने वाला था, अगले दिन सवेरे उनका राज्याभिषेक होने वाला है और शाम को उनके पिताजी दशरथ जी उनको अपने कमरे में बुलाते हैं। माता केकई वहीं बैठी है। माता केकई ने महाराज दशरथ से अपना वचन मांगा है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ को तो सुध बुध भी नहीं है, वो गम में बिल्कुल गमगीन है और रामचंद्र जी को अपने कमरे में बुलाते हैं, अपने कक्ष में बुलाते हैं। माता केकई कहती है कि रामचंद्र जी को आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। अयोध्या की जनता भगवान राम को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, अगर भगवान राम कहते मैं नहीं जाता, मैं तो कल सवेरे राजा बनूंगा, तो सारी जनता भगवान राम का साथ देती। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी को कहा कि आप गम मत कीजिए, माता केकई ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा मैं पूरी करूंगा, और मुस्कुराते हुए 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए। ऐसे थे हमारे भगवान राम, बिल्कुल निस्वार्थ, अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाले। मैं सोच रहा था कि आज के जमाने में अगर कोई पिता किसी बेटे को ऐसा कहे, कोई नहीं करने वाला। तो ऐसे अपने भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमें उनकी जीवन से बहुत कुछ सीखना है, उनके आदर्श से बहुत कुछ सीखना है। और जो अपने हिंदू धर्म में राम राज्य की परिकल्पना है, हम तो बहुत छोटे हैं, रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं, राम राज्य तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन उनसे सीख के हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, हमारी कोशिश है। दिल्ली के अंदर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है, उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर कोई बीमार हो उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सरकारी अस्पताल में जाए तो भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। दिल्ली के अंदर अगर कोई गरीब भी है उसको बिजली मिलनी चाहिए, अगर पैसे नहीं है तो मुफ्त बिजली मिल रही है, उन लोगों को सबको मुफ्त बिजली मिल रही है, ऐसी हमारी कोशिश है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। तो रामचंद्र जी महाराज से प्रेरणा लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके बेटे की तरह, आपके छोटे भाई की तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने की हमेशा कोशिश करता रहता हूं। 24 घंटे हम लोग काम करते रहते हैं, फिर भी कई बार कमी रह जाती है। अगर कोई कमी रह जाए मेरे से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपके घर में खूब खुशियां बरसाए, आप लोगों को खुश रखे, हमारी दिल्ली तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, ऐसी प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है।